में टीम इंडिया ने पहली बार गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। लक्ष्य सेन, श्रीकांत किदांबी, सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और उनकी जोड़ीदार चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया को हराकर इंडिया को पहला गोल्ड मेडल जिता दिया है। इस फाइनल मुकाबले में पहला मैच लक्ष्य सेन और एंथनी गिंटिंग के बीच हुआ, जिसमें पहले सेट में पिछड़ने के बाद लक्ष्य ने शानदार वापसी की और ये मैच 21-8, 17-21, 16-21 से जीता। इसके बाद हुए मेंस डबल मैच में सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मैच मोहम्मद एहसान और संजय सुकामुलियो से हुआ। इस मैच में भी भारतीय जोड़ी पहले सेट में 18-21 से पिछड़ गई, लेकिन फिर अगले दोनों सेट में खिलाड़ियों ने वापसी की। उन्होंने 23-21, 21-19 से दोनों सेट जीते और भारत अब 2-0 से आगे था। आखिरी मैच श्रीकांत किदांबी का होना था। उनका सामना जोनाथन क्रिस्टी से था, जो किदांबी को इस सीजन दो बार हरा चुके थे, लेकिन इस मुकाबले में श्रीकांत ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने शुरुआती दो सेट 21-15, 23-21 से जीतकर भारत को 3-0 से जिता दिया। थॉमस कप में भारत का पहला गोल्ड मेडल आने के बाद कई दिग्गजों ने ट्वीट किया और बैडमिंटन टीम को बधाई दी। साथ ही भारतीय सरकार ने भी बधाई देते हुए टीम इंडिया को 1 करोड़ की इनामी राशि देने का ऐलान किया। चलिए अब जानते हैं कि भारत को मिली इस ऐतिहासिक जीत पर किसने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम को बधाई देते हुए लिखा, भारतीय बैडमिंटन टीम ने इतिहास रचा है। भारत के थॉमस कप जीतने से पूरा देश उत्साहित है। हमारी कुशल टीम को बधाई और उनके भविष्य के इवेंट्स के लिए शुभकामनाएं। ये जीत कई आगामी खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने भी टीम को बधाई देते हुए लिखा, टीम इंडिया ने पहला थॉमस कप जीतने के लिए 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। नियमों से परे जाकर टीम को 1 करोड़ रुपए का कैश इनाम। टीम इंडिया को बधाई। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा ने बधाई देते हुए लिखा, क्या ऐतिहासिक दिन है, पहली बार थॉमस कप जीतने के लिए एक शानदार टीम इंडिया द्वारा शानदार प्रदर्शन। गोल्ड मेडल जीतने के लिए कई मौकों पर कठिन परिस्थितियों से वापसी की। सभी खिलाड़ियों और कोचों को बधाई। चैंपियंस आप सब। ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू ने ट्वीट किया, भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि, बहुत बधाई टीम इंडिया थॉमस कप। भारतीय टेनिस प्लेयर महेश भूपति ने कहा, रोंगटे खड़े कर देने वाला, बधाई टीम इंडिया। इंडियन फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री बोले, भारतीय स्पोर्ट्स के लिए क्या कमाल का पल है। हम पहली बार थॉमस कप चैंपियन है और हमने इसे हासिल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ को हराया है। खिलाड़ियों और स्टाफ को बधाई। कुछ चीजों में समय लगता है, लेकिन किसी को ये ना कहने दे कि ये नहीं किया जा सकता। भारतीय बैडमिंटन प्लेयर पारुपल्ली कश्यप ने टीम इंडिया को बधाई देते हुए लिखा, वर्ल्ड चैंपियन, थॉमस कप चैंपियन, हैप्पी संडे सभी को। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बोले, सभी भारतवासियों के लिए ऐतिहासिक पल, इंडियन बैडमिंटन के लिए कमाल का दिन, हमारा पहला थॉमस कप जीतने पर पूरी टीम को बधाई। पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने लिखा, भारतीय स्पोर्ट्स के लिए ऐतिहासिक दिन, बधाई और उनको सलामी। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल ने टीम इंडिया को बधाई देते हुए लिखा, हिस्ट्री लिख दी गई है, टीम इंडिया को पहला थॉमस कप जीतने पर बधाई, भारतीयों के लिए गर्व करने वाला पल। बता दें कि इस पूरे टूर्नामेंट में इंडियन बैडमिंटन टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।